बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म द स्काई इज पिंक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। इस फिल्म के जरिए एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 3 साल बाद बॉलीवुड में वापसी की। फिल्म में प्रियंका और फरहान के अलावा एक्टिंग को अलविदा कह चुकी जायरा वसीम और रोहित शराफ भी अहम किरदार में नजर आए। सच्ची कहानी पर आधारित द स्काई इज पिंक यूं तो लोगों को दिल को छू लेने वाली है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स हालांकि नहीं मिला। फिल्मी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। फिल्म की कमाई को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीसरे दिन द स्काई इज पिंक ने 5 करोड़ रुपए की कमाई की होगी। इस हिसाब से फिल्म ने 2 दिन में 12 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक आंकड़े के सामने नहीं आए हैं। तो वहीं ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर ने द स्काई इज पिंक को कड़ी टक्कर दी। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो नीरेन और अदिति की है। दोनों की जीन में कुछ फॉल्ट है जिसका खामियाजा उनके बच्चे को भुगतना पड़ता है। उनकी बेटी आयशा जन्म के साथ ही खतरनाक बीमारी का शिकार होती है। नीरेन और अदिति पहले ही अपनी बेटी को खो चुके हैं। वे किसी भी कीमत पर आयशा को खोना नहीं चाहते। वो इसके इलाज के लिए लंदन जाते हैं और फिर शुरू होता है आयशा को लेकर उनका संघर्ष। फिल्म की कहानी दिल्ली और लंदन के बीच घूमती है। सोनाली बोस ने फिल्म को बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में बुना है और आयशा को करेक्टर इस तरह गढ़ा है कि दिल में उतर जाता है। हालांकि फिल्म की लेंथ थोड़ी ज्यादा है। नेक्स्ट 9 लाइफस्टाइल डेस्क की रिपोर्ट।